अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं उज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और आज हम बना रहे हैं बेक पार्लर की तरफ से एक बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी सा मैकरोनी बेक, ठीक है। और यहाँ इतनी सारी चीज़ें हमने सजा के रख दी हैं बिकॉज ऑल आर आइसक्रीम्स आर रेडी। जो कल हमने सारे आइसक्रीम्स बनाए थे वो सब कुछ हम निकाल के आज सजा के पेश करेंगे। ये दो लोफ टिन्स रख दिए हैं जिसमें मैंने यहाँ क्लिंग लगा दिया है। इसमें हम आज मलाई लॉग बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी आइसक्रीम। सबसे पहले कुछ डिफरेंट तो करना चाहिए हमें, बिकॉज ऑल द टाइम आप ग्लासेस में बोल्स में तो नहीं सर्व कर सकते हैं। चॉकलेट आपके पास हो थोड़ी सी, तो थोड़ी सी पिघली हुई चॉकलेट को लीजिएगा, उसको आप एक कपकेक के केस में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये कपकेक का केस है, एक मैंने बना के फ्रिज में रख दिया है, एक आपके सामने मैंने सोचा था बनाएंगे। सो व्हाट यू डू इज़ एक पेन ब्रश ले लीजिएगा और उसको आप इस तरह ब्रश अप कर दीजिएगा ताकि इसके एजेस पूरे अच्छी तरह बन जाएं। वाइट चॉकलेट से कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट से कर सकते हैं, एनी थिंग यू हैव, ठीक है। पूरा इसको साइडों को आपको भरना है। और इसमें एक स्कूप आइसक्रीम हम निकालेंगे। आराम से जब ये ठंडा होगा तो ये पील ऑफ कर देंगे हम कपकेक का केस, ठीक है। पूरी चॉकलेट को ऊपर तक इस तरह करिए, इसके बेस में भी थोड़ी सी चॉकलेट और जाएगी। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि नहीं सही तरह लगी हुई यूनिफॉर्म नहीं है तो आप वहाँ वापस टर्न करके इसको लगाते जाइए। एंड देन यू पुट दिस टू बिकम कोल्ड, ठीक है। ये आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रखिए। ये देखें, ये मैंने एक बना दिया था, एक बना दिया था। आराम से आप इसका ये पेपर पील ऑफ कर सकते हैं। सही है, हल्के हाथ से करिएगा, डबल कोट चॉकलेट का लगाइएगा और इसमें हम फिर एक स्कूप आइसक्रीम सर्व करेंगे। गॉट इट? चलिए, लेट्स कम टू आवर रेसिपी टुडे। वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं, हमारे जो सारे फैंस व्यूअर्स रहते हैं भावलपुर, सरगोधा, कराची, एबटाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, लाहौर एंड फैसलाबाद के हमारे फैंस और व्यूअर्स, अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू तो आपने बताना है मुझे कुछ आइसक्रीम्स के नाम, ठीक है। इसलिए कि हम आइसक्रीम्स कर रहे हैं ये पूरा हफ्ता, आइसक्रीम्स के नाम बताइए। मसाला एफ डी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ओके, दिस इज़ डन। चॉकलेट को फेंकिएगा नहीं, रख दीजिएगा टू यूज़ सम अदर थिंग। यहाँ मैंने पानी गरम किया था, बेक पार्लर की ट्विस्टेड मैकरोनी हम यूज़ करेंगे आज, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, पार्मेजान चीज़ है, क्रीम है, दूध है, क्यूब है चिकन का और काली मिर्चें हैं। नमक फिर मैं बाद में डाल दूँगी। अच्छा, शाताज कुकिंग ऑयल, शाताज ज़रा सा और इसको आप बॉयल होने दीजिए, ठीक है। जब तक ये हो जाता है वील स्टार्ट विथ आर फर्स्ट रेसिपी, क्योंकि हमें आज सारे आइसक्रीम्स को भी डेकोरेट करना है, निकालना है, सो वील डू दैट टुडे। एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का लीजिएगा, एक पूरा टिन इवेपोरेटेड मिल्क का लीजिएगा। कंडेंस मिल्क गाढ़ा होता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी बिकॉज कलर में आपको स्क्रीन पे दोनों सेम लग रहे होंगे शायद, तो ये देखें, दिस इज़ पतला, राइट। ये है इवेपोरेटेड मिल्क, 60% पानी इसमें से निकाला गया होता है। ये देखिएगा, दिस इज़ कंडेंस्ड मिल्क, ये देखा आपने कितना थिक है ये, और ये आपका इवेपोरेटेड मिल्क। नाउ आपने डिफरेंस देख लिया। ओके,
सबसे पहले मेरे पास यहाँ पिस्ते हैं, पाउडर किए हुए पिस्ते, दो में मैं बनाऊंगी कि एक में बनाऊं? आई थिंक दो में बनाते हैं, दो में बनाते हैं। सबसे पहले नीचे पाउडर किए हुए पिस्ते आप डाल दीजिए, और क्लिंग को इस तरह करिए कि पूरा बेस पे आए। ओके, गॉट इट? ये आपका बेस रेडी हो गया। बादाम है, पिस्ते हैं, रोज़ वाटर है, और लाल शरबत है, गुलाब का, इलायची पाउडर है, डबल रोटी है, और ऑफ कोर्स क्रीम एंड एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क। आप सोचेंगे डबल रोटी गाढ़ा करने के लिए वी नीड दिस। क्रस्ट निकाल दीजिएगा इसके एजेस, सब कुछ ब्लेंडर में चला जाएगा, एंड दैट्स इट, रेडी। मुझे इस क्रस्ट के ऊपर मक्खन लगा के खाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग क्या करते हैं ऐसे क्रस्ट जो बच जाते हैं, कचरे में तो नहीं फेंकते हैं ना, आई होप? बिकॉज आप इस, बहुत सारे अगर हों, बहुत सारे सैंडविचेस घर में बन रहे हों, तो आप ये क्रस्ट जो हैं उनको ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं उसके, ठीक है? ओके, ये चला गया। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे, इसमें हम रोज़ वाटर डाल देंगे, और इसमें हम इवेपोरेटेड मिल्क डाल देंगे, ब्लेंड कर देंगे। डबल रोटी डालने से टेक्सचर भी आता है। चीको का आइसक्रीम बनाती हूँ मैं, उसमें भी मैं डबल रोटी डालती हूँ, और ये अच्छा बाइंड भी होगा। सो अब इसमें हम इवेपोरेटेड मिल्क डालने के बाद कंडेंस मिल्क और क्रीम भी डालेंगे। आप चाहें तो बादाम पिस्ते भी अंदर डाल दीजिएगा, इसी वक्त ब्लेंड हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखे हैं। सो दिस वीक, पूरा हफ्ता आप हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा, सीखिएगा बहुत सारे मुख्तलिफ आइसक्रीम्स, बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, एंड यू नीड सम ठंडा ठंडा आइसक्रीम या डिज़र्ट, राइट? आइसक्रीम्स के नाम बताइए। अगर वाउच 365 के कूपन बुक्स जीतने हैं, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, और NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। क्रीम लेते हैं, अब इसमें क्रीम शामिल कर देते हैं, दो पैकेट्स हैं ये, ठीक है? और ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, सो देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV, स्टे ट्यून्ड। देखिए, पास्ता इज बॉयल, बेक पार्लर का पास्ता हमने ट्विस्टेड मैकरोनी यूज़ किया था आज। इनकी यहाँ सारी वाइड रेंज आप देख सकते हैं, फ्यूजन कुकिंग है जिसमें टिक्का मैकरोनी, अचारी मैकरोनी, चिकन चिली, हॉट एंड सार, चिकन चाउमीन है, इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ शेप्स हैं, सेवैयाँ भी थी जो हमने ईद वगैरह पर इस्तेमाल की थी। मैंने पास्ता बॉयल कर दिया था, शाताज कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा पानी, चुटकी भर नमक डाल के, ठीक है? इसको हमें ड्रेन कर देना है। अब एक और पैन में हमें सब चीज़ें मिक्स कर देनी है, कुछ भी वाइट सॉस वगैरह बनाना नहीं है एज सच, सो बट आई डू नीड अ स्टॉक। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें गरम कर देती हूँ, बिकॉज इसको मुझे बेक करना है, ठीक है? जैसे ही पानी गरम हो जाएगा, दूध, क्रीम, पानी, तीनों चीज़, पार्मिजान, चेडर और मोज़रेला, काली मिर्चें कुटी हुई, और चिकन स्टॉक का क्यूब, ये क्यूब डाल देते हैं, इसको अभी डाल देते हैं। चले, ये हो गया। ओके जी, यहाँ हमने क्या किया था, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क, एक पूरा टिन इवेपोरेटेड मिल्क, इलायची पाउडर, तीन डबल रोटियाँ, स्लाइसेस के जो क्रस्ट थे वो निकाल दीजिएगा, और पिसे हुए पिस्ते मैंने यहाँ बेस में डाल दिए हैं, सब कुछ ब्लेंड, दैट्स इट, हो गया रेडी। अब फ्रीज करेंगे, कल दिखाएंगे आपको, जैसे कल वाले आइसक्रीम्स आज दिखाएंगे वैसे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा मुझे पिस्ता बादाम डालना है, सो
रेड जो सिरप है यानी कि जो लाल शरबत है वो हम कल ऊपर ड्रिजल करेंगे. जस्ट मिक्स दिस टुगेदर. इसको पॉक कर दीजिए आप. अच्छी तरह अंदर से निकालिए स्पैचुला से. प्लीज़ इसमें स्टील के चमचे नहीं मारिएगा. दैट्स इट डन. फ्रीज़र में जाएगा ये. कल मैं दिखाऊंगी. पास्ता जो है मुझे ड्रेन कर देना है. अब ठीक है. अच्छा, यहाँ ये अच्छी तरह पानी गर्म हो गया. इसमें हमने ये चिकन स्टॉक क्यूब जो डाला था वो इसका स्टॉक रेडी हो गया. सो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ. इसमें हम डालेंगे दूध. पकाना कुछ भी नहीं है. देयर इज नो वाइट सॉस वाली बात. ठीक है. और चीज़ हैं सारे, फिर भी थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. और वो स्टॉक क्यूब भी ऑफ कोर्स सॉल्टी था. थोड़ा सा चीज़ अंदर, चेडर मोज़रेला, पार्मिजान नहीं है तो नहीं डालिएगा. पार्मिजान पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और ग्रेट भी कर सकते हैं आप. क्यूब ला के पूरा उसका पूरा एक वेज मिलता है. ठीक है. क्रीम. हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. 888-1 पे SMS कर सकते हैं, यानी 8881 इस नंबर पे अपने फ़ोन से आप हमें SMS करिए और बताइए आइसक्रीम्स के नाम. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. कुटी हुई काली मिर्चें. कॉलर हैं एक जी. ये पास्ता जी. हेलो. हेलो जी. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं मिसेस समीर बात कर रही हूँ कराची से. जी फरमाइए. जी मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना था. जी जरूर. जी पिस्ता आइसक्रीम. ठीक है. पाइनएप्पल. चॉकलेट. ओके. स्ट्रॉबेरी. होती तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं तो बहुत सारी तो ले नहीं सकती. आप दो तीन. ठीक है. ओके ठीक है. बस तीन नाम काफी होते हैं. जी आप जो ये डिश बना रही है बहुत अच्छी बना रही है. आप देखिएगा अभी सारी फ्रीज हो गई है, फिर हम निकालेंगे. ठीक है. जी जी ठीक है. ओके ठीक है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. चलिए सब कुछ अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है यहाँ. ठीक है. पास्ता के साथ, बेक पार्लर के पास्ता के साथ तीनों चीज़, दूध, क्रीम, नमक, काली मिर्चें डिश में जाएगा. और इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज़, और इसको आप बेक कर दीजिए. इसमें आप चिकन डालना चाहें डालिएगा, ट्यूना मछली का टिन डालना चाहें वो आप निकाल के डालिएगा, पानी उसका, डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है. प्लेन भी कभी कभार कुछ चीज़ खानी चाहिए. सो चीज़ ऑन टॉप. ये आपकी बेक पार्लर की रेसिपी. तीनों चीज़ मैंने डाले. अगर आपको क्रिस्पी ऊपर टॉप चाहिए तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा. ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, मेरा ख्याल है मुझे डालने हैं. शर जी थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऊपर. ब्रेड क्रम्स डालेंगे और अवन में. ठीक है. अवन मैंने प्रीहीट किया हुआ है यहाँ, ऑलमोस्ट 200 डिग्रीज पे है. और ऊपर नीचे का मुझे ऑन करना है, ऊपर नीचे का विद द फैन. थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालने से क्रिस्प ऊपर एक अच्छा सा टॉप बन जाता है, गोल्डन होता है, क्रंची क्रिस्पी होता है. इसमें आप मकई डालिए, मटर डालिए, इसमें आप तीन रंग की शिमला मिर्च या सिर्फ हरी शिमला मिर्च डालिए. बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक. थैंक यू. चलिए ये आ गया मेरा ब्रेड क्रम क्रिस्प टॉप के लिए. ओके इफ़ यू लाइक. चलिए चलते हैं ओवन की तरफ. इसको ओवन में रख दीजिए. और आई होप आप लोग 888-1 पे बहुत सारे SMS कर रहे हैं. अगर आपको जीतना है वाउच 365 की किताबें जो है हमारी,
फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, कराची एंड एबटाबाद के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स जल्दी जल्दी 888-1 पे मुझे बताइए आइसक्रीम्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आइसक्रीम से याद आया, फ्रीज़र की तरफ चलते हैं और आइसक्रीम्स निकालते हैं। ये देखें, सारे आइसक्रीम्स हमारे अच्छे से फ्रीज हो गए। टॉपिंग्स मैंने सारे यहाँ रखे हुए हैं, बादाम, पिस्ते, चीकू, पान, वो लाल शरबत जो है वो भी थोड़ा सा जाएगा। सो वी गॉट एवरीथिंग हियर, ऑल द आइसक्रीम्स आर रेडी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कोई भी आइसक्रीम लाइक मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम जो है वो हम स्कूप निकाल के रख देंगे इन आर चॉकलेट का जो मैंने केस बनाया है। देखें ये भी रेडी है, दोनों के ऊपर से पेपर निकाल दिया है, देखें सही है ना, ठीक है। सो इसी तरह आप भी ट्राई करिएगा, एक डार्क चॉकलेट का बनाइए, एक वाइट का बनाइए, डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट स्वर्ल कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। फ्रिज में रहने दीजिएगा, बंद डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में, तो आप कोई भी डिज़र्ट अचानक आपको सर्व करना हो, चॉकलेट मूस इसमें सर्व कर दीजिए, कुछ भी। थोड़ी देर हम बाहर रखते हैं इसको, फिर हम स्कूप उसमें निकालेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, मैं एक रिकैप कर दूं। आज मैंने कोई वाइट सॉस नहीं बनाया था, वाइट सॉस बनाने का टाइम नहीं हो, मैदा नहीं डालना है आपने, तो एक कप चिकन स्टॉक ले लीजिएगा, चिकन का क्यूब एक गर्म पानी के कप में डाल के घोल दीजिएगा, एक कप क्रीम था, एक कप मैंने ग्रेट करके चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया था, 2 से 3 टेबलस्पून्स मैंने पामेजान चीज़ के लिए थे, कुटी हुई काली मिर्चें, चुटकी भर नमक और ट्विस्टेड मैकरोनी बॉयल की थी हमने, नमक और शाताज कुकिंग ऑयल पानी में पेक पालर की, ठीक है जी। सब कुछ मिक्स कर दीजिए, उसके बाद रख दीजिए ओवन में, ऊपर नीचे का मैंने ऑन कर दिया है और मैंने इसके ऊपर थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं जस्ट लाइक दैट, और बस आप ओवन में बेक कर दीजिए। कोई चिकन रोस्ट हो, लेग ऑफ लैम आपने बनाया हो, उसके साथ भी एज अ साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों का फेवरेट होता है मैकरोनी एंड चीज़, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड फॉर द मलाई आइसक्रीम लॉग जो मैंने बनाया है, जो कल फ्रीज होगा, स्लाइसिस में काट के हम सर्व करेंगे, एक पूरा टिन मैंने कंडेंस मिल्क का लिया था, 390 ग्राम, 400 ग्राम समझ लीजिए, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे दूसरे मुल्क में जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछते होंगे, सोचते होंगे कि कितने ग्राम्स का टिन मिलता है, तो एक टिन कंडेंस मिल्क यहाँ हमें मिलता है 395 ग्राम्स, यानी 400 ग्राम समझ लीजिए। 400 ग्राम का इवेपोरेटेड मिल्क का टिन था और 400 ग्राम मैंने क्रीम लिया था, उसके साथ साथ 2 से 3 डबल रोटी लीजिएगा वाइट वाली, उसके क्रस्ट निकाल दीजिएगा और अच्छी तरह उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर था और 2 चमचे भर के रोज़ वाटर, ठीक है, ओके। चलिए ये सब कुछ करते हैं हम और भी मज़ीद बातें करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। हमारा जो ट्विस्टेड मैकरोनी बेक है, बेक पार्लर का, वो बन रहा है, अवन में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम वेटिंग कि थोड़ा ज़रा हमारे आइसक्रीम्स थोड़े से ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, इजियर फॉर मी टू टेक आउट स्कूप्स ना। ये जो पिस्ता बादाम वाला था, फिर ये कौन सा था, ये इंजीर और बादाम का था, एयर टाइट डब्बे जो इस तरह से फिर एकदम टाइट हो जाते हैं बिकॉज फिर उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बने, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट। और फिर ये है, कौन सा था, ये था ज़ाफ़रान का, ज़ाफ़रान और पिस्ता का। देन ये पिंक वाला तो हमारा पान का था। एंड ग्रीन वाला चॉकलेट चिप एंड मिंट, यस दिस वन। और क्या रह गया है, अब चीकू रह गया है, सो दैट्स दैट, ठीक है जी। सारे आइसक्रीम्स निकल आए हैं, सो ऊपर के टॉपिंग्स भी यहाँ रखे हैं, जो चीकू है चॉप करके, पान का पत्ता है, लाल शरबत है, बादाम पिस्ते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप उसको माइक्रोवेव कर दीजिएगा क्या कहूँ और मैं। सो इस पे मुझे नज़र रखनी है बिकॉज़ इसमें
कच्ची कोई चीज़ नहीं है, बस ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर से इसको हमें ब्राउन करना है, ठीक है। जो क्रम्स हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो सही रहेगा, ओके। और जो मलाई लॉग है जो मैंने आज बनाया है वो मैंने यहाँ रख दिया है, इसको आप ऊपर से क्लिंग या फॉइल रख के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो एक बड़ा टिन लीजिएगा, बिकॉज़ ये काफ़ी था तो मैंने उसको दो में डिवाइड कर दिया था। फिर स्क्वायर्स में, स्लाइसिस में दूसरे दिन काटिए, ऊपर से लाल शरबत डालिए और सर्व कर दीजिए। सो वील हैव टू वेट फॉर अ वाइल कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो, तो हम आप इसको निकाल के सजाएं बोल्स में, ग्लासेस में, शॉर्ट ग्लासेस में, या फिर इस तरह अगर आपको बनाना है तो चॉकलेट का, ठीक है। बहुत आसान था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, समथिंग डिफरेंट। अच्छा, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए, तो ये बेस्ट रहेगा इसमें। मैं तो हमेशा घर में माइक्रो कर देती हूँ आइसक्रीम, बिकॉज आई हैव नो पेशेंस कि अब कौन बैठे और वो नरम हो और फिर स्कूप्स निकालें। थोड़ा सा माइक्रो कर दें, इजीली यू कैन स्कूप इट आउट, या फिर गर्म पानी में एक ग्लास लें, गर्म पानी डालें, उसमें ये स्कूप, आइसक्रीम स्कूप डाल दीजिए, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड डू अ झटपट रिकैप ऑफ आर टू रेसिपीज आज की, और मसाला टीवी फूड मैगजीन भी मैं आपको दिखा दूँ, हम सबकी तस्वीर इस पर है और इसमें सारी रेसिपीज हैं, और 200 रुपए का सिर्फ है, मई का शुमारा है, जल्दी से लीजिएगा, बिकॉज आई बिलीव इट हैज़ रन आउट। इस दफ़ा सारे हमारे मैगजीन्स ख़त्म हो गए हैं, और इसमें ये सारी ईद की जो हमारी ट्रांसमिशन थी, स्पेशल ट्रांसमिशन, उसकी तस्वीर इसमें हैं, सारे स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ आए थे, एंड हमारी सारी रेसिपीज़ हैं, तो इसमें यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, तो यहाँ मैं दिखाती हूँ कि हमारी पहली रेसिपी क्या थी। ओके, सो फूड डायरीज़ की स्मोकी मलाई बोटी भी थी ये, और फिर then there was cheese toast, mutton pulao, fish wellington, aloo puri, and hamare sare chefs ki recipes hain, zarur get your copy. Okay, so jhatpat recap again, maine ek pura tin condensed milk ka liya tha, ek pura tin evaporated milk ka liya tha, do tetra packs maine liye the cream ke, और मैंने 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, क्रस्ट निकाल दिया था, सब कुछ डाल दीजिएगा आप ब्लेंडर में और उसको ब्लेंड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर था, और 1 से 2 टेबलस्पून भर के मैंने रोज़ वाटर लिया था, ठीक है। सब चीज़ों को ब्लेंड करके एक पिस्ते का पाउडर कर दीजिएगा, ठीक है। पाउडर जो पिस्ते का हो वो इस टिन के नीचे रखिएगा, ताकि जब आप इसको उल्टा करेंगे तो पूरा ऊपर पिस्ते का पाउडर हो, और फिर वो पूरा मिक्सचर पो कर दीजिएगा, चॉप किए हुए बादाम पिस्ते अंदर डालिएगा, एंड देन जस्ट फ्रीज इट, निकालिएगा दूसरे दिन, स्लाइसेस में काटिएगा, ऊपर से रोज़ सिरप डाल दीजिएगा, शरबत अरके गुलाब, ये वाला जो है अरके गुलाब से जो बना हुआ होता है, गुलाब का शरबत, ठीक है। और जो ट्विस्टेड मैकरोनी में बेक मैंने किया था वो बहुत आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सब चीज़ें मिक्स करनी है, नो वाइट सॉस, जस्ट क्रीम था, दूध था, और मैंने इसमें 3 चीज़ डाले थे, पामेजान चीज़, चेडर चीज़, मोजरेला चीज़ ग्रेट करके, नमक थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक डालिएगा, काली मिर्चें थी इसमें, और बस दैट्स इट। मिक्स करके ट्विस्टेड मैकरोनी आप बॉईल कर दीजिएगा बेक पार्लर की, पानी निथार दीजिएगा, उसमें सारा मिक्स करके अवन में रख दीजिएगा। इसमें आप चिकन टिक्का चंक्स डाल सकते हैं, मकई, मटर, शिमला मिर्च के क्यूब्स, टमाटर के क्यूब्स, कुछ भी डाल सकते हैं, बॉयल चिकन हो वो डाल सकते हैं, बचा हुआ कीमा हो वो नीचे लेयर कर सकते हैं, बचे हुए आलू हो मैश किए हुए वो रख सकते हैं। सो देयर इज लॉट्स ऑफ वेज टू डू इट, बट दिस इज़ अ सिंपल सिंपल मैक एंड चीज़, ठीक है। सो आई होप आपने बहुत सारे SMS किए हैं, अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स, जो हमारे फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, कराची एंड एबटाबाद के फैंस एंड व्यूअर्स के लिए है। जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए आइसक्रीम्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और एक कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो, 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 सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं आप? अरे मैं तो यही हूँ, इतनी बेचैनी से मिला रही हूँ आपका नंबर। अच्छा, क्यों बेचैनी से? अरे यही हूँ, आपकी याद में हूँ। अच्छा, बेचैनी से क्यों? नहीं, मेरे को शौक होता है कि मैं बात करूं, अच्छे जवाब दूं। जी जी, अच्छा मदर डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या? और ईद मुबारक हो आपको। अच्छा, ईद अभी तक ईद चल रही है, ईद मुबारक आपको भी। हाँ ना, क्या करें, हमारा मेरी नहीं रहता, हम क्या करें। क्या? अच्छा सुने,
मदर डे भी आपको मुबारक हो, सब मदर्स को। आपको भी थैंक यू। और कुछ? बस ये आइसक्रीम के नाम बताऊंगी जी, रोज रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम, ड्यूटी फ्री रहती है आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, पाइन एप्पल आइसक्रीम, बनाना आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम और बहुत सारी आइसक्रीम। ये बहुत सारी आइसक्रीम कौन सी है? ये ड्यूटी फ्रूटी आइसक्रीम। ठीक है, आती ना वो चॉकलेट क्रंच, क्या जी वो नहीं बनाती चॉकलेट और उसके साथ क्रंच होती है दिल्ली? जी जी जी, खानी है आपने? अच्छा, माँ के ऊपर मैं कहूंगी, माँ घर की मलका होती है, वो तो है, और छायादार दरख्त होता है, बिल्कुल। और उसके छाये में बच्चे पलते हैं, बच्चों को पालती है, प्यार करती है, फिर एक वक्त आता है कि बच्चों को रिटर्न देना चाहिए। जी जी, आई होप सारे बच्चे सुन रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। दैट्स आर मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम विथ ये जो बेस हमने चॉकलेट का बनाया था। फौरन इसको फ्रीजर में रखूंगी और दूसरे आइसक्रीम्स को स्कूप करेंगे, बोल्स में, ग्लासेस में निकालेंगे। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज। वेलकम बैक। ये देखें, ठीक है, ये हो गया। और आइसक्रीम्स जितने जितने मैं निकाले जा रही हूँ तो फिर वो मैं फ्रीज़र में भी वापस वापस रख रही हूँ। ओके, सो नाउ आई नीड टू पुट दिस वन। मैं आपको सारे आइसक्रीम्स निकाल के दिखाऊंगी, बट दिस वन इज द रेड शरबत एंड पान वाला जो था। पान आइसक्रीम इज़ अ फ्लेवर, पान के बहुत डिज़र्ट्स आजकल इन हैं। अगर आपको शौक है तो आप ये वाला आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा। मैंने माइक्रो कर दिया था बिकॉज देयर वाज नो टाइम। और अब थोड़ा सा दिस रेड सिरप एंड पान का पत्ता, हाउ विल दिस गो? फ्रीजर, सीधा फ्रीजर में। ये देखें, मैंने चीकू का निकाला था, चीकू के इस तरह मैंने काट दिए थे चंक्स और फिर चीकू साइड में रख दिए थे। ठीक है, आज हमारा फ्रीजर भर के आइसक्रीम है। और क्या है अब बाकी? ओके, सो वी हैव दिस वन, साफ कर देते हैं इसके स्कूप को। और ये इंजीर और बादाम का है, बेस सिर्फ कंडेंस मिल्क और क्रीम था, आपको मैंने पहले भी बताया था। बहुत आसान है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। थोड़े से बादाम एंड सीधा फ्रीज़र में। अच्छा जी, ये वाला जो था इस पे हम थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं, वो वाला ज़ाफ़रान वाला था। अब क्या रह गया है? एक और रह गया है। सो शुड वी डू इट इन द ब्रेक प्लीज़, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई ग्लास। ठीक है, ब्रेक में हम कर लेंगे एक और रिकैप। रेसिपीज़ दोनों होंगी हमारी, आइसक्रीम मलाई लॉग है और इसके साथ साथ हमने आज ट्विस्टेड मैकरोनी के साथ बेक पार्लर की रेसिपी बनाई थी सॉस के साथ। सो नाउ एक और आइसक्रीम रहता है,
काजू वाला जो था वो हम निकालेंगे एक बोल में, और फिर उसके ऊपर काजू, बादाम, पिस्ते, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। सारे आइसक्रीम्स कल के ट्राई करिएगा प्लीज़, अपने इमेजिनेशन यूज़ करिएगा। सिर्फ मैंने 2 कप क्रीम और 1 टिन कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था, ब्लेंड कर दिया था, अलग अलग बोल्स में निकाल दिया, और उसमें आपको जो दिल चाहे, कितना मैंने कॉम्बिनेशन आपको दिया है, 6-7 तो मैंने कर दिए हैं, राइट। तो इसी तरह आप भी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 888 पे 8881 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए और बताइए आइसक्रीम्स के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ रेसिपी रिकैप ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, लेट्स सी ऑल द आइसक्रीम्स। सो ये जाफरान वाला, ये अंजीर वाला और काजू वाला, चीकू, पान एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट चिप एंड मिंट, जो मैंने यहां चॉकलेट के केसेस में रखा था। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड, कल का और आज का भी। ये जो हैं दोनों, ये सेट होंगे और कल मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसको जब ओवरटर्न करेंगे तो नीचे सारे पिसे हुए पिस्ते होंगे और पेपर क्लिंग हम इसको पील ऑफ कर देंगे, फिर स्लाइसेस में काट के आप सर्व करिएगा विद द रेड गुलाब का जो शरबत है वो। बेक पार्लर की रेसिपीज रेडी, इट्स अ नाइस मैक एंड चीज़, ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई वाइट सॉस हमने बनाया ही नहीं है, ऐसे ही हमने सारी चीज़ें मिक्स की हैं आज। सो आई होप यू एन्जॉय दिस, और आप ज़रूर ये सारे ट्राई करेंगे। जो वाउच 365 के विनर्स हैं वो हम कल बताएंगे, ठीक है आप लोगों को। सो आई होप यू एन्जॉयड इट जितना मुझे मज़ा आता है मीठा बनाने में, सबको मीठा खिलाने में। सो इसी तरह आप भी मेरे साथ दीजिएगा, और कल भी आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक चॉकलेट आइसक्रीम और समथिंग लाइक दैट। हर रोज़ कुछ मीठा है और ये पिघल रहा है, सो हमें इसकी तस्वीरें लेनी बहुत ज़रूरी हैं। एंड टाइम टू से बाय बाय ऑल्सो आप लोगों को, तो दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।